यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया के तहत सम्माननीय मदन राठौड़ जी को आज भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में राजस्थान भर से आए हुए हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पदभार ग्रहण करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में विजयश्री हासिल की, लोकसभा के चुनाव में राजस्थान सहित देश के अन्य हिस्सों में भी बहुत अच्छे परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर मिला। मैं ये मानता हूं कि मदन राठौड़ जी जो बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लगभग पिछले 30 साल से मेरा उनका संपर्क है। मैं जब छात्र राजनीति में था तब से लेकर के आज तक मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि मदन जी के नेतृत्व में सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नए जोश का संचार होगा और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा और अधिक मजबूत होकर के उभरेगा। आने वाले चुनाव में पंचायती राज के चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, उन सभी चुनावों में, स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जनता उस पर भरोसा करते हुए एक बार फिर आशीर्वाद देगी। हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल हर गांव तक खिले, इसके लिए संकल्पबद्ध होकर के काम करेंगे। हमारे मदन जी राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आज उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है, उल्लास का वातावरण है और मैं ऐसा मानता हूं कि इनके नेतृत्व में, मदन जी राठौड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ऊंचाइयां, जितनी ऊंचाइयां छूने वाली है इतनी ऊंचाइयां छुएगी।